5 अक्टूबर 2024 के डेट पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपसे जो 8वीं किस्त है यह रिलीज हुआ है, लेकिन 8वीं किस्त अब तक बहुत से किसानों को नहीं मिला है, मतलब आधे से ज़्यादा किसानों को 8वीं किस्त अब तक क्लियर नहीं मिला है। तो दोस्तों, जिन किसानों को 8वीं किस्त अभी तक नहीं मिला है, उन सभी किसानों का मन में अभी यह सवाल आ रहा है कि मुझे 8वीं किस्त कब तक दिया जाएगा, 8वीं किस्त पाने के लिए क्या करना होगा। दोस्तों, 8वीं किस्त जो है यह फरवरी से पहले जारी करेगा, मतलब दिसंबर लास्ट से लेकर जनवरी में 8वीं किस्त कंप्लीट होने वाले। जिन लाभार्थियों को रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा, उन सभी लाभार्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट निकाल के आ चुका है कि अगर आपका इशराज वेरीफाइड होगा तो आपको रुका हुआ जितने भी पैसा है सभी पैसा फरवरी से पहले ही जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि फरवरी महीना में 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट आने वाला है। अब तक ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फरवरी में 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा करके ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। लेकिन किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जिन लाभार्थियों को अभी तक 8वीं किस्त नहीं मिला है, उन सभी भारतीयों को 8वीं किस्त कब तक दिया जाएगा। 8वीं किस्त ऑलरेडी तो रिलीज हो चुका है, लेकिन वंचित किसानों के खाते में दिसंबर से लेकर जनवरी में रुका हुआ सभी पैसा अपने खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए सभी को अपने इंस्टॉलमेंट की प्राप्त करने के लिए अपने इशराज को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। किन किन किसानों को 8वीं किस्त फरवरी से पहले जारी करेगा, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट पर आके अभी आपको फार्मर कॉर्नर पर जाके जो नाम और इशराज है यहाँ पर क्लिक करके आप अपने इशराज को वेरीफाई कर लीजिएगा। इशराज वेरीफाई करने के लिए सिंपली आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है, उसके बाद ये जो कैप्सा है कैप्सा यहाँ पर डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर से पीएम किसान में रजिस्टर किया था यानी कि ईकेवाईसी किया था उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पर ओटीपी डाल के गेट डाटा पर क्लिक करना होगा। तो ओटीपी डाल दिया, उसके बाद गेट डाटा पर क्लिक करने से अपने बेनिफिशियरी इशराज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो बता दो आपको फार्मर की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यह वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो देखिएगा दोस्तों, जिन लाभार्थी ने 2019 फरवरी से लेकर मार्च के बीच रजिस्ट्रेशन किया यानी कि आवेदन किया है, उन सभी किसानों के खाते में 8वीं किस्त फरवरी से पहले ही ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ डेट 19 बता रहे लेकिन दिसंबर या नवंबर में है, तो दोस्तों आपको 15 से लेकर 16 नंबर का इंस्टॉलमेंट तक दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कहते हैं अगर आपने 2022 में रजिस्ट्रेशन किया है, यहाँ पर 2022 बता रहे, तो आपका जो इंस्टॉलमेंट है आपको 8वीं किस्त तक नहीं मिलेगा। आपने जब भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है ये जो डेट है ये डेट को आप फ्लो करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट मिला है और किसान सम्मान निधि योजना तरफ से कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर हुआ है। किसान सम्मान निधि योजना के गाइडलाइंस के हिसाब से नया किसान को एक ही इंस्टॉलमेंट मिलेगा, पुराना स्टॉक किसान को कंप्लीट इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हुआ है सबसे कंप्लीट इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है दोस्तों, आपको भी फरवरी से पहले इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। और जिन किसान ने मार्च फरवरी में आवेदन किया 2019 की बात कर रहा हूं, उन सभी किसानों के खाते में 8वीं किस्त कंप्लीट ट्रांसफर होने वाले हैं। तो इसके लिए अभी आपको क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी इशराज को वेरीफाई करना होगा, लैंड सेटिंग, ईकेवाईसी, आधार सेटिंग और ये जो मोबाइल नंबर है इसको अपडेट करके रखिएगा। ये तीनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं इसका ऊपर मैंने वीडियो बना दिया। 99% किसानों के इशराज अभी लैंड सेटिंग यस है, ईकेवाईसी भी यस है और आधार सेटिंग भी यस है, लेकिन ये जो मोबाइल नंबर अपडेट है अभी तक बहुत से किसानों का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ है। अगर आपने भी मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है तो दोस्तों मोबाइल नंबर अपडेट आप कैसे कर सकते हैं उस टॉपिक का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर दे दूंगा। अभी सवाल आ रहे देखिए, ये जो लाभार्थी या लाभार्थी को कंप्लीट तो 8वीं किस्त मिल चुका है ये जो 5 अक्टूबर 2024 की डेट पर, लेकिन जिन लाभार्थियों का आरएफटी आ चुका है वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट बता रहे, उन सभी लाभार्थियों खाते में भी पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए सभी को क्या करना होगा, अपने जो बैंक अकाउंट है एनपीसी डीबीटी पर सही एक्टिव करना होगा, यानी कि बैंक में एनपीसी एक्टिव करने के लिए अपने आधार कार्ड को सबसे पहले एनपीसी मैपर पर वेरीफाई करके लिंक करना होगा। लिंक करने से आपका डीबीटी हो जाएगा, डीबीटी होने के बाद जितने भी पैसा रुका हुआ है सभी पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो सभी किसान ध्यान रखिएगा कि आपके जो बैंक अकाउंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खुलने के लिए, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर इजी प्रोसेस से पैसा दिया जाता है और जितने भी पैसा रुका होता है सभी पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और गुड न्यूज़ तो यह है, जिन लाभार्थियों का एफटीओ यस हो चुका है उन सभी लाभार्थियों के खाते में इसी महीना में पैसा जमा किया जाएगा। अभी आप सबको कॉमेंट करके बताना होगा कि आप सबको कितना पैसा मिलने वाला है और कितने पैसा रुका हुआ है और क्यों नहीं आ रहा है इस राज पर, क्या प्रॉब्लम है, सभी लोग आप कमेंट करके बता दीजिएगा। कमेंट की मदद से हम डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो इतना तक है। जय हिंद, जय भारत।